नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपाणी। शिवहर ज़िला है और चमनपुर पंचायत में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ समिति प्रत्याशी हैं मोहम्मद आलम साहब। बात करेंगे कि इनका क्या विज़न है, क्या एजेंडा लेकर के ये पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं, उतरे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी मेरी तरफ से स्वागत है। मैं चमनपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य, मेरी छाप नारियल छाप है। मैं उस छाप के लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मेरे लोगों के बीच में मेरा जन सैलाब है और मैं चुनाव पहली बार में हमने नारियल फोड़ा था और मैंने जनता को आगाह करके कहा था कि मैंने टॉस जीता है, अभी मैच जीतना है और इंतज़ार उस घड़ी का है, सिर्फ सर्टिफिकेट के इंतज़ार है। आज जनता ने मुझे बहुत इज्जत से हमको नवाज रहा है और सारा युवा को आप देख रहे हैं, सारे युवा माँ बहन हमारे पीछे लगे हुए हैं और उन लोगों के सब के अरमान, सब की ख्वाहिश, सब की कामों का मैं एक एक करके हर काम में मैं जितना मैं वादा किया हूं मैं खड़ा उतरूंगा। एजेंडा क्या रहेगा मोहम्मद आलम साहब, क्या करना चाहते हैं पंचायत में? मेरा एक ही एजेंडा है कि पहले मेरी बहन बेटी बहू जो भी हमारे पंचायत की होंगी वो पंचायत भवन में हर काम होगा, आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो या जिस तरह का काम, कोई भी काम हो और जाति हो, आवासीय हो, जो भी काम हो, वो मेरी घर के बेटी बहनें और बहू वो ब्लॉक नहीं जाएंगी, वो लोग पंचायत भवन में आकर उसका काम का, हर काम का निदान होगा। क्योंकि वो ब्लॉक जाकर आज शिवहर जाने के लिए 20 रुपया किराया देना पड़ता है, वो गरीब आदमी की जानी हालात ठीक नहीं है। इंदिरा आवास में लोग 20,000 रुपया लिया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि गरीब की काम है, गरीब के बीच में बटे, सरकार से गरीब को देता है तो बीच में बिचौलिया क्यों, बिचौलिया नहीं होना चाहिए। हर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इन चीज़ों को पहले फोकस करूंगा, इन चीज़ों को पहले बंद करूंगा। मेरा यही कहना है, रोड नाली का जो स्थिति है, जो आज तक ले किसी जो आदमी घर के लायक है उनको घर नहीं मिल रहा है और जो घर वाले लायक हैं उनको वो क्या कर रहा है, उससे वंचित हो जाते हैं और जो नहीं लायक है उनको मिल जाता है। इसलिए हमें कहना है कि चमनपुर पंचायत के इन बार सब लोगों ने मुझे, आज सारे युवाओं, एक एक युवाओं के मुझे ताकत जो मिला है, माँ बहनों की ताकत मिला है, मैं चाहता हूँ कि मॉडलाइज पंचायत बनाऊँ, आदर्श एक पंचायत चमनपुर पंचायत मैं बनाऊँ। और मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि टॉस हमने जीता है, मैच हमने जीतेंगे। दूसरी बात कि इंसान कभी लहरों के डर से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं और पूरे चमनपुर पंचायत के एक एक जनता को मैं आदाब सलाम शब्बा खैर करता हूं कि मेरा हिम्मत और ताकत इन जनताओं ने दिया है, उसके लेकर मैं आगे चलता हूं और चलता रहूंगा और जितना मैं वादा कर रहा हूं इनके साथ मैं खड़ा उतरूँगा। बस इस शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को स्वागत करना चाहता हूँ। मोहम्मद आलम साहब, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं आप लोग, बिल्कुल करीब हो गए हैं इलेक्शन के, क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए एक ही संदेश है कि 15 तारीख सुबह सुबह उठें, अब सब लोग नहा धोवा कर जिस धर्म के लोग मानते हैं उनको थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाकर लोगों की दुआएं करें और भगवान को करके सुमिरन करके मेरा वोट देने जाए। और EVM नंबर 1 पर पंचायत समिति में नारियल छाप है मेरा, एक एक वोट देकर मेरा हौसला को अफजाई करें और सब लोग इस पंचायत को सुरत बनाने के लिए और कुशल बनाने के लिए हमारी मदद करें। सारे जनता मालिक को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसमें वो लोग सहयोग करें। मेरा नाम बताइए। भरत शाह। भरत शाह जी, साथ में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है मोहम्मद आलम साहब का? माहौल अच्छा लग रहा है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है इस बार। हाँ, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। बदलाव होना है पंचायत में। हाँ, बदलाव होना है पंचायत में। क्या कुछ काम हुआ है इन 5 सालों में 10 सालों में आपके पंचायत में, कुछ काम है? कुछ काम नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार होगा? हाँ, ये अगर आएंगे तो होगा। नाम बताइए जी। मोहम्मद जमीरुल। जमीरुल साहब, चुनाव आ गया है, कुछ मन उन भी बनाए होंगे, मोहम्मद आलम साहब के साथ में हैं, क्या माहौल लग रहा है, पब्लिक किस रूप से देख रही है? पूरे पूरा आलम साहब सपोर्ट में है, पूरे पंचायत की जनता, चमनपुर पंचायत की पूरी जनता इनको सपोर्ट में है। पिछले बार थोड़ा सा पिछिल गए थे, अपनी बार इनका 100% चांस है जीतने की। दूसरा समिति जो रहे 10 बरस यहाँ रहे हैं, कोई काम नहीं किए, न रोड बना न नाली बना, सब अधूरा पड़ा हुआ है। आलम साहब को हम लोग अभी जिता रहे हैं, हम लोग आलम साहब को उम्मीद है कि खड़े उतरेंगे, इनको जितना जिताएंगे आप पूरे काम पंचायत के सुख से करेंगे अपने हिसाब से। लगता है जब जीत हासिल करेंगे तो कुछ काम होगा जी, 100% हमको उम्मीद है कि करेंगे।
न करेंगे फिर 5 साल जनता इनको देखेंगे, 5 साल फिर बदली हम लोग करेंगे, 5 साल इनको लिए हम लोग चुनने का मुंड बना लिए हैं, पूरे पंचायत की जनता बनाए। नाम बताइए। मोहम्मद मुन्ना साईं। मुन्ना जी ये बताइए क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी का काम करते हैं हम लोग। खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बताइए किसान के लिए कुछ काम उम है आपके पंचायत में? कोई काम नहीं है हम लोग के पंचायत में। आपके जो समिति जो जीते हुए थे कुछ काम नहीं कि बोरिंग वोरिंग हला हुआ है आपके? हल्ला हुआ था वो तो सबका धंस गया, ऐसा काम किया कि कोई था ही नहीं चल रहा कि क्या किया नहीं किया। हम लोग मोहम्मद आलम साहब को चुने हुए हैं, मोहम्मद आलम साहब हमको चुने हुए हैं, उनको हमको कराना है और उनको साथ में हम लोग सम्मानित करके हम लोग उसको वोट दे कर जिताना है। क्या है और भी लोग है तो मोहम्मद आलम साहब कहे चुन रहे हैं? बहुत लोग है तो बहुत लोग से हमको क्या मतलब है, हम जिसको साथ में हैं उसके साथ में हम रहेंगे। मतलब ये काम करेंगे? हाँ काम करेंगे। वो जो खेती के लिए जो बीज दिया जाता है उचित मूल्य पर मिल रहा है आप लोग? ना वो लोग तो नहीं किया है साथ में, वो लोग नहीं किया, आलम साहब जीतेंगे जिताएंगे तो आलम साहब करेंगे तो हम लोग उसी के साथ में रहेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद उबैद साहब। उबैद साहब हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये आलम भाई के साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल साथ में है, वोट के दिन भी साथ रहिएगा या कहीं और दबेगा ये? नहीं आलम भाई के साथ में हमेशा रहेंगे। ये नारियले पे दबेगा कहीं और दबेगा? नारियले पे दबेगा। पक्का है? पक्का है। वहाँ जाके लोग बदल भी जाता है? नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदलेगा, पूरा दिल से पूरा पंचायत का लोग नहीं बदलेगा। इस बार क्या माहौल है इनका, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लगेगा इस बार। मतलब बदलाव हो जाना है? बदलाव हो जाना है इस बार। पिछली बार दिए थे वोट इनको? पिछली बार तो नहीं दिए थे लेकिन इस बार चुने हैं, अच्छे हैं। अच्छा, क्या पिछली बार आपसे नहीं मिले थे ये? नहीं मिले थे। इस बार पूरा मेहनत है इनका? पूरा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ आलम भाई भी मेहनत कर रहे हैं खूब। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। पंचायत चुनाव आ गया है, कुछ मन उन बना हुआ है ना इस बार? हाँ मन बना हुआ है। कहाँ जाएगा मन इस बार? आलम साहब को जाएगा, नारियल छाप पूरा एकदम फोड़ देना है, पूरा एकदम नारियल फोड़ देना है जैसे होके। अच्छा ये बताइए कुछ काम है पंचायत में आपके? पंचायत में बहुत सारा काम उसी तरफ पड़ा हुआ है, कोई गरीब को पूछने वाला नहीं है। क्या लग रहा है माहौल इनका इस बार? माहौल एकदम सही है, माहौल में कहा कोई टेंशन, चुनाव जीत रहे हैं। हाँ एकदम जीत रहे हैं। इनका छाप मालूम है आपको? हाँ नारियल छाप है। कितना क्रमांक पर है? नंबर 1 पर है। पूरा एकदम रट लिए हैं? पूरा एकदम दिमाग बना लिया, नंबर 1 पर नारियल छाप है। क्या खा रहे हैं? टॉनिक है? टॉफी है? टॉफी। टॉफी है? हाँ। इसलिए दिमाग की बत्ती जल रहा है? हाँ इसलिए दिमाग की बत्ती जल रहा है। ये मोहम्मद आलम साहब है, इनका दावा है कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार बस चूक गए थे लेकिन इस बार इन्होंने पूरा मेहनत किया 5 साल और लोगों के दिल में मन बनाए हैं, जगह बनाए हैं। क्या कुछ होता है रिजल्ट का भी इंतजार रहेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपाड़ी, एचटीवी न्यूज़।